की समस्याओं को लेकर सांस्कृतिक धरना प्रदर्शन। आज चमोली जिला मुख्यालय गुप्तेश्वर में उंगरम घाटी की जनता ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग उंगरम घाटी के 9 गांव शामिल रहे। क्षेत्रीय जनता ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन शासन के खिलाफ नारेबाजी की। तत्पश्चात जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को सुना व विभागीय अधिकारियों को बुलाकर शीघ्र ही कार्य शुरू करने के आदेश दिए। क्षेत्र की मुख्य समस्याएं सड़क डमरी कारण राजकीय इंटर कॉलेज उमंग में शिक्षकों की कमी, स्कूल भवन के निर्माण में देरी व एक खेल मैदान की है। राजकीय इंटर कॉलेज उंगरम में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मात्र 5 ही शिक्षक मौजूद हैं। यहां तक कि प्रधानाध्यापक का पद भी खाली है। जिलाधिकारी आशीष जोशी ने उचित मांगों को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को सख्ती से आदेशित कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए। राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम जो है पूरे घाटी का 9 ग्राम सभाओं का एक केंद्र बिंदु है। राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर लगभग जो है 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उसमें 150 के से अधिक जो है अनुसूचित जाति के बच्चे हैं। और आज भी वहां पर जो है कि 22 स्टाफ होना चाहिए था, वहां पर सिर्फ 6 ही आदमी देख रहे हैं और वहां पर प्रधानाचार्य की पोस्ट थी वो भी खाली है। और उसके लिए हम लोग जो है लंबे समय से जो है टीचरों की मांग कर रहे हैं और आज हमारे सांकेतिक धरना था। यदि सरकार नहीं चेती और इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इन सब मुद्दों के लिए। दूसरा यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम में 1,88,00,000 की लागत से जो है वहां पर मुख्य भवन बन रहा है, तो मुख्य भवन पिछले जो है 6 महीने से उसके काम बंद है और जो पेयजल निर्माण निगम ने उस काम को करना था वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी पता चला कि 12,00,000 रुपए मैंने रिलीज हो रहा है। यदि काम नहीं होगा तो फिर हम इसके लिए आगे जो संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसके। सबसे पहले तो हमारा सड़क का जो मुद्दा है वो जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे उर्गम की हो और वो बेटापर की सड़क हो या उर्गम 2 की बात हो, क्योंकि उसमें उसकी रोड की बहुत हालत खराब है। और उर्गम जो है केदार और पंचबद्री का स्थान है, इसमें श्री कल्पेश्वर धाम और श्री ध्यान बद्री का बंसी नारायण और रुद्रनाथ भी एक ट्रैक है इसमें और फुला नारायण धाम है। तो यदि ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो एक सर्किट बेस हमारी जो है योजना है। यदि उर्गम से जो है यात्री जाता है हिलंग से उर्गम होते हुए कल्पेश्वर और कल्पेश्वर से वो फुला नारायण के दर्शन करते हुए वो नीचे जो है कि हिलंग किलोमीटर 3 पे ही मिल सकती है, तो सरकार चाहे तो इसको एक वैकल्पिक रूप से भी जो है इसका उपयोग कर सकती है। हमारे जो जिला मुर्गम मार्ग है वो 12 किलोमीटर में जो है आईटो पास है, जिसमें एक हमारी समस्या हो रही थी पिछले बार भी गाड़ी एक्सीडेंट होता उसका क्लेम आ सकता नहीं है। तो एक हम लिखा है जी सर, क्या इसमें सर ये था 1 किलोमीटर 2 से बहुत खराब है जो हम बात कर रहे थे उसमें 12 किलोमीटर जो आईटो एक बार सीएम साहब का प्रोग्राम हो रहा था तो जोशीमठ के एसडीएम ने जो है काफी कोशिश की, उन्होंने 2-3 एसडीएम को मिला करके आईटीओ को मिला करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों में हमारा मामला था कि हमने कहा पिछले 4 वर्षों से वो मुख्य भवन तो बन रहा है लेकिन कुछ 3-4 महीने से वो काम भी बन रहा हो, काम ही नहीं हो रहा है। नहीं, उसका कारण नहीं समझा ये पेयजल निर्माण निगम यूपी उत्तराखंड ऐसा वो प्रसिद्ध क्या लेकर आया है क्या पैसा है नंबर कब से काम नहीं हो रहा ये सर? बहुत समय हो गया सर, बहुत समय से 4-5 महीने से काम नहीं हो पाया। वो ठेका एक्चुअल में जो है तो ये करने से बात हो गई है सर, खराब होने तो लग रहा है कि मार्च तक सड़क किसकी है ट्रांसफर इसलिए जो समस्या है वो सड़क संबंधी है और शिक्षा संबंधी है। तो सड़क के संबंध में उनका ये कहना है कि सर अभी जो हमारी सड़क पास हुई इस पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो अभी SCPMGSY से बात हुई है तो उसमें गति लाने का प्रयास किया जाएगा। और शिक्षा के संबंध में उनका ये कहना था कि एक बिल्डिंग है वो 4 महीने से उस पर काम रुका हुआ है, तो शिक्षा विभाग का कहना है कि उसमें 12,00,000 रुपये रिलीज हो गया तो शायद कल से वहां पे काम स्टार्ट हो जाएगा। सर आंगनवाड़ी